मध्य प्रदेश ग्वालियर शहर में शहर जिला कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर ग्वालियर पूर्व से विधायक डॉक्टर सतीश सिंह सिकरवार के नेतृत्व में नगर निगम कार्यालय पर विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। साथ ही नगर निगम कमिश्नर को ज्ञापन सौंपकर विभिन्न मांगों को बताया गया। धरना प्रदर्शन में ग्वालियर पूर्व की जनता एवं कांग्रेस कार्यकर्तागण मौजूद रहे। धरना प्रदर्शन में कांग्रेस के पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह भी पहुंचे और जनता एवं कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा जनता के साथ रही है और आज भी कांग्रेस पार्टी के द्वारा ग्वालियर की जन समस्याओं के लिए विधायक सतीश सिंह सिकरवार के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। इसके अलावा बीजेपी सरकार लगातार नगर निगम के चुनाव टाल रही है। इसके पीछे कारण साफ है कि बीजेपी ग्राउंड में खत्म हो चुकी है और वह जुगाड़ की सरकार बनाने में जुटे हुए हैं और इसका जीता जागता उदाहरण मध्य प्रदेश की सरकार गिराई हुई सरकार है। कांग्रेस विधायक सिकरवार ने कहा कि लगातार ग्वालियर में जनता जन समस्याओं से ग्रसित है। जनता वार्ड ऑफिस और नगर निगम के चक्कर लगा कर थक चुकी है, पर नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी गण जनता की समस्या नहीं सुन रहे हैं और ना ही उस पर कोई हल निकाल रहे हैं। उनका समाधान में रुचि भी नहीं दिखाते हैं। ग्वालियर पूर्व हो या फिर ग्वालियर विधानसभा, हर जगह की रोडों में गड्ढे हो गए हैं। ग्वालियर पूर्व में सीवर चौक की समस्या, पानी की समस्या, स्ट्रीट लाइट की समस्या, राशन कार्ड पात्रता पर्ची की समस्या दिनों दिन जनता को आ रही है। इन सभी समस्याओं को लेकर आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा नगर निगम कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन में कांग्रेस जिला अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा, कांग्रेस प्रदेश महासचिव सुनील शर्मा, महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष रुचि ठाकुर गुप्ता, महिला कांग्रेस कार्यवाहक अध्यक्ष बीना भारद्वाज, सीमा समाधिया, निधि शर्मा, ज्योति सिंह, रानू शर्मा और अमर सिंह माहौर, ग्वालियर शहर के वार्ड क्रमांक 2 के जनसेवक सुरेंद्र सिंह चौहान, कांग्रेस झुकी झोपड़ी प्रकोष्ठ के संजय माहौर और मंडल अध्यक्ष सोबरन सिंह जाटव सहित अन्य कार्यकर्ता गण एवं ग्वालियर पूर्व की जनता मौजूद रही। जो धरना दिया जा रहा है शांतिपूर्वक राजू गांधी अहिंसा बड़ी तरीके से सभी लोगों से मेरा पूरा निवेदन है कि अगर मास्क का उपयोग जरूर करें। हमारे कार्यकर्ता यहाँ सभी को मास्क बदल कर रहे हैं, जो मास्क लेकर नहीं आए वो कृपया मास्क जरूर लगाए। मंतव्य है और चूंकि परमिशन है नहीं और उसके अलावा कोविड का भी जो मुझे प्रोटोकॉल है उसके ग्राउंड पे भी काफ़ी चीज़ें हैं, तो उसमें लगाई कार्रवाई भी की जाएगी। फिलहाल ये कल जो व्यवस्था लगी हुई है कानून व्यवस्था में उसके बाद आज जो नगर निगम मुख्यालय के सामने रहना है 11 बिंदुओं को लेकर आगे चाहिए। आज जन समस्याओं को लेकर नगर निगम की समस्याओं को लेकर यहाँ धरना दिया जा रहा है। ये धरना 11 बजे से लेके 1 बजे तक चलेगा और जो समस्याएँ गार्बेज है, सीवर की समस्या है, सफाई की समस्या है, गंदे नाले गंदे पानी की समस्या है और पेंशनों की समय पर पेंशन मंजूर नहीं हो रही मतवा हमारे लोकप्रिय विधायक सिकरवार जी को, हमारे जो अन्य नेता यहाँ मौजूद हैं, हमारे जिला अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा जी, आदरणीय हमारे वरिष्ठ नेता अशोक सिंह जी, हमारे ग्रामीण अध्यक्ष साहब सिंह जी, हमारे प्रत्याशी रहे विधानसभा चुनाव में सुनील शर्मा जी और अन्य साथीगण सभी यहाँ मौजूद हैं। आज हम देख रहे हैं कि पिछले 50 साल से ग्वालियर नगर निगम में भाजपा का महापौर रहा है, लेकिन फिर भी जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो शायद मिलती हैं भोपाल में, इंदौर में, जबलपुर में, वो सुविधाएं आज भी जो ग्वालियर शहर है यहाँ पर नहीं मिल पा रही है। सतीश भाई ने
जिला कांग्रेस ने 15 सूत्रीय मांगे रखी हैं, उसमें चाहे जो नया गार्बेज शुल्क लगाया गया है जनता पर, जबकि करोड़ों रुपए मिलते हैं स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत, जब इतना पैसा आ रहा है स्वच्छ भारत के लिए, मैं खुद मंत्री रहा हूँ इस विभाग का, तो मैं जानता हूँ लगभग हर नगर निगम के लिए 50 से 100 करोड़ के टेंडर हुए हैं स्वच्छ भारत के लिए, लेकिन फिर भी ये अतिरिक्त शुल्क क्यों लग रहा है जनता पर, जिसकी भरपाई ये लोग कर रहे हैं जनता के माध्यम से। इससे कहीं ना कहीं आम जनता पर और बोझ लग रहा है, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो आज तक आम जनता को नहीं मिल पा रही है। उसके साथ हम याद करें, जब 15 साल भाजपा की सरकार रही तो गरीबों की पेंशन 150-300 थी, जैसे कमलनाथ जी आए तो उन्होंने पेंशन बढ़ा के 600 रुपये की, लेकिन खबर ये मिल रही है कि ग्वालियर शहर में जो गरीबों को पेंशन मिलनी चाहिए, जो विधवा माता बहनें हैं जो उनको पेंशन मिलनी चाहिए, वो भी नहीं मिल पा रही है। ऐसे अनेक और बहुत सारे मुद्दे हैं, चाहे मुद्दा सूरज का हो, वाटर सप्लाई का हो, इन सब की आवाज़ आज यहाँ पर कांग्रेस का एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता जनता के साथ मौजूद है, और आप खुद देख रहे हैं जिस संख्या में आज जनता यहाँ मौजूद है। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में जो चुनाव होंगे उसमें जो दो शेष सीटें रह गई हैं कांग्रेस के लिए, जो अभी तक हमारे पास नहीं है, जो भाजपा के पास है आज 2 साल। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए ग्वालियर से सागर शर्मा की रिपोर्ट। मॉडल कॉन्वेंट हाई सेकेंडरी स्कूल दर्पण कॉलोनी ग्वालियर CBSE दिल्ली एवं माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल से मान्यता प्राप्त नर्सरी से कक्षा 12 तक अंग्रेजी एवं हिंदी माध्यम शिक्षण सुविधा उपलब्ध। कोरोना काल में कक्षा नर्सरी से कक्षा 12 तक ऑनलाइन कक्षाओं के नियमित संचालन एवं वर्तमान में शासन नियम अनुसार कक्षा 9 से 12 तक शिक्षा प्रदान करने वाले मॉडल कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में छात्र छात्राओं को नियमित मार्गदर्शन मिल रहा है। 20,000 स्क्वायर फीट क्षेत्र में फैले इस संस्था में 10,000 स्क्वायर फीट का खेल मैदान, 2,000 वर्ग फीट का सभा कक्ष, 20 अध्ययन कक्ष, कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान प्रयोगशालाएं उपलब्ध हैं। नियमित शैक्षणिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक गतिविधियों से बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। स्वतंत्रता दिवस पर कोरोना योद्धाओं का सम्मान एवं बोर्ड परीक्षा के मेधावी छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। विद्यालय में प्रवेश हेतु कार्यालय समय सुबह 8 से 2 बजे। संपर्क सूत्र 7512340246, 7225964184, 7987123623।